रेस्पिरेशन और कंबर्सन में जब हम डिफरेंस देखते हैं तो देखो रेस्पिरेशन क्या है इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस आई हैव ऑलरेडी यू द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कम्बर्सन ठीक है तो जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो क्लास को भी देख सकते हैं रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और कंबर्शन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन अकर्स इन लिविंग सेल्स वेयर एज कम्बर्शन डज नॉट अकर्स इन लिविंग सेल्स रेस्पिरेशन जनरेट ए टी पी डू नॉट जेनरेट ए टी इन रेस्पिरेशन एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड कम्बर्शन में कोई एंजाइम नहीं चाहिए ठीक है रेस्पिरेशन जो है बायो बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है और कंबर्शन बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस नहीं होती है अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होती है क्लियर नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं नेक्स्ट है, है ग्लाइकोलिस और क्रैप साइकिल में क्या डिफरेंस है तो देखो ग्लाइकोलिस एक लीनियर पाथवे है ठीक है हमने देखा था सीधा सीधा ऊपर से नीचे चलता आ रहा था साइक्लिक प्रोसेस होती है क्रैप साइकिल अब साइकिल का मतलब ही क्या है साइक्लिक होगा ठीक है, साइक्लिक का मतलब ही क्या है कि साइक्लिक पाथवे होगा ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है एज वेल एज एरोबिक और दोनों रेस्पिरेशन होते हैं यहाँ पे सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में दो NADH2 टू और दो ATP मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं ब्रेक डाउन ऑफ वन ग्लूकोज एक ग्लूकोज से ये दो चीजें बन जाती हैं. पे क्या हो रहा है सिक्स एन एडीएसटिल को अगले डिफरेंस पे जो है रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में डिफरेंस ठीक है एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है ऑक्सीजन इज यूज फॉर ड्राइविंग एनर्जी यहां पे ऑक्सीजन यूज होती है एनर्जी के लिए यहां पे क्या हो रहा है यहां पे अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में वेयर एज दिस अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म फर्मेंटेशन की बात हो रही है एरोबिक जो है एंड प्रोडक्ट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है इथाइल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है फिर एरोबिक रेस्पिरेशन एरोट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट इट इज कम्प्लीट रेस्पिरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट टेक्स प्लेस और यहाँ पे फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है रेस्पेरेटरी सब्सट्रेट का बात समझ में आई इधर होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन इधर होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ठीक है एरोबिक में क्या हो रहा है 36 सिक्स एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं फर्मेंटेशन में सिर्फ दो बन रहे हैं तो ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं तो आप सभी को ये डिफरेंसेस याद रखने हैं इज दैट क्लियर वन क्वेश्चन नंबर टू नेम द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो आंसर इसका ये है द कंपाउंड ऑक्सीडाइज द कंपाउंड ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्टेट ठीक है कार्बोहाइड्रेट स्पेशली ग्लूकोज एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेट फैट प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आल्सो एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेट समझ में आ गई बात कि कार्बोहाइड्रेट जो है जैसे कि ग्लूकोज ये एक रेस्पिरेटरी सब्स्टेट है बाकी और क्या है फैट प्रोटीन और कार्बनिक एसिड ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ओके ग्लाइकोलाइसिस का स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन देना है आपको तो ये रहा इसका आंसर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी को ये पूरा प्रोसेस समझाया है आप चाहो तो एक बार मैं फिर से आपको यहां पे समझा देती हूं स्टार्ट लुकिंग ऑन द स्क्रीन एवरी वन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन ग्लूकोज है ठीक है सिक्स कार्बन कंपाउंड है इससे क्या बना इससे बना अगेन ग्लूकोज सिक्स पीओ फोर ठीक है यहां पे अच्छा वो मैं भी में बताती हूं चलो यहां पे आओ फ्रक्टोज फ्रक्टोज वन सिक्स ओके 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 लेट मी करेक्टेड इट्स फ्रक्टोज सिक्स ओ फोर बना इससे बनेगा इससे बनेगा फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉसपीट ठीक है अब यहां रिलीज क्या हुआ अब ध्यान से देखना बच्चों यहां पे क्या रिलीज हुआ यहां पे एटीपी एक एटीपी से एडीपी प्लस पी आई बन जाएगा और यहां पे एंजाइम कौन सा काम करेगा हेगोकाइनी ठीक है यहां पे एंजाइम काम करेगा आईसोमरेज ये सब मैंने क्लास में समझाया है बट स्टिल जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए ये मैं फिर से समझा रही हूं यहां पे एडीपी प्लस पी आई ठीक है यहां पे कौन सा एंजाइम काम करेगा बेटा यहां पे काम करेगा फॉस्फो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनीज ठीक है इसके बाद में क्या होगा इसके बाद में क्या होगा जरा ध्यान दो इसके बाद में देखो फ्रक्टोज से फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट से डाय हाइड्रोक्सी एसेटोन फॉस्फेट बनेगा जो कि थ्री कार्बन कंपाउंड है और और ग्रिसल एल डी हाइड एल डी हाइड थ्री फॉस्फेट ठीक है सो थ्री कार्बन और ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं ठीक है मतलब कि डाहाइड्रोसी एक्सीटोन फॉस्फेट जो है वो आगे तक के गाइट फॉस्फेट ही बन जाएगा यहां पर अब क्या बनेगा यहां पर होगा रिडक्शन और बन जाएगा वन थ्री बाई फॉस्फो गिस्ड क्लियर यहाँ पे अब कौन सा एंजाइम काम करेगा बेटा यहां पे यहां रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे एंजाइम काम करेगा डी हाइड्रोजिनेज आई होप माई हैंड राइटिंग इज क्लियर टू यू ऑल ठीक है यहाँ पे जो चीज फॉर्म हुई है वो बना है एन ए डी एच टू ठीक है अब इसके आगे का जो स्टेप है इसके आगे का स्टेप हम इधर लिखते हैं ठीक है इधर आ जाओ इधर आ जाओ ठीक है डायरेक्ट इसके बाद में क्या बन जाएगा इसके बाद में आपका बन जाएगा थ्री फॉसफोगसरिक एसिड ठीक है थ्री फॉस्फोग्लेसरिक एसिड से क्या बनेगा टू फॉसफो एसिड टू फॉसफो एसिड से क्या बनेगा टू फॉस्फो पायर यूवेट दस स्टेप्स हैं आपको दसों के दस स्टेप याद रखने हैं ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप होते हैं बेटा तो ये होते हैं टेन स्टेप्स अब यहां पे हमें और क्या याद रखना है

और ये याद रखना है कि यहां पे टोटल कितने एटीपी बनेंगे ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एट एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है कितने एट एटीपी इसका कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं तो जिसने भी ये पूरा चैप्टर नहीं देखा है इस चैप्टर का वन शॉट अपलोडेड है तो वहां जाके देख लेना आगे बढ़े अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर द मेन स्टेप्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या क्या मेन स्टेप्स हैं और ये कहाँ कहाँ होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है हमने देखा है कि ग्लाइकोलिस होता है ये साइटोप्लाजम में है साइकिल जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है इलेक्ट्रॉन सिस्टम ट्रांसपोर्ट ये कहाँ चल रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैम्बरेन में चल रहा है ऑक्सीडेथिव फॉस्फोराइलेन ये कहाँ चल रहा है एफ नॉट टू एफ वन पार्टिकल्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैम्बरेन ठीक है क्लियर आगे बढ़े गिव दैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरऑल व्यू ऑफ क्रैब साइकिल ओहो चलो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है हम फिर से इसमें क्रैब साइकिल पढ़ेंगे तो इस पर बाद में आएंगे हम यहाँ पे ही ड्रॉ कर लेते हैं एक बढ़िया सी क्रैब साइकिल आयु गाइज रेडी फॉर दैट ओके चलो ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले लिखना चालू करेंगे हम कहा से बताओ कहाँ से लिखेंगे हम सिट्रेट लिखो भाई सिट्रेट दिस इज सिक्स कार्बन सिट्रेट से आ जाओ आइसोसिट्रेट सिट्रेट से आ जाओ आइसो सिट्रेट ये भी है सिक्स कार्बन इसके बाद आ जाओ अल्फा कीटो ग्लूटरेट यार अब तो याद हो जाना चाहिए अब तो आपको ये याद हो जाना चाहिए मैं इतनी बार आपको ये पढ़ा चुकी हूं फिर स्यूसिनाइल इसके बाद में सूसिनेट क्या बना सियोसी नेट, नेट से क्या बनेगा फ्यूमरेट अच्छा ये है फोर कार्बन ठीक है ये भी फोर कार्बन फ्यूमरेट इज आल्सो फोर कार्बन फिर मैलेट क्या बना मैलेट दिस इज आल्सो फोर कार्बन और और क्या बना लास्ट इज ऑक्लो एसी कार्बन क्लियर सब में हम इसको एक साइकिल है तो हम यहाँ पे एरोज से इन्हें ज्वाइन कर देते हैं दिस इज अल कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज लुकिंग अब देखो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या रिलीज हुआ क्या यूज हुआ सो लेट्स ओकेज द कलर यहां पे सीओ टू रिलीज हुआ सीओ टू का बेस्ट फ्रेंड तो साथ में जाएगा ही कौन है वो एन ए डी पी टू सीओ टू वहां एन टू भी जाएगा उसके पीछे पीछे है ना यहाँ पे आ जाओ एन ए डी पी एच टू फिर यहां पे क्या हो रहा है बच्चों यहां पे कोएंजाइम और जी टी पी ठीक है यहां क्या हो रहा है यहाँ पे एफ ओके आई थिंक एफ इज नॉट हूं एफ ए डी एच टू ठीक है और यहाँ पे लास्ट एंड फॉरमोस्ट एन ए डी एस टू नाउ दिस इज योर ब्यूटिफुल अमेजिंग क्रैब साइकिल क्या है ये क्रैब साइकिल है यार कितनी इजी है क्रैब साइकिल मतलब ग्लाइकोलिस में दस स्टेप फिर क्रैब साइकिल में बताओ क्रैब साइकिल में अगर हम यहाँ पे आ, ये देखें कि कितने एटीपी टी यहां पर बने हैं कितने एटीपी टीपी यहां पर बने हैं तो बताओ भाई सभी लोग बताएंगे क्रैब साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं हम्म जिस जिसने मेरे लेक्चर्स देखे हैं उन्हें पता होगा कि क्रैप साइकिल में कितने ए बन रहे हैं जल्दी बताओ गिव योर आंसर्स फास्ट 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 इन द कमेंट सेक्शन जल्दी बताओ बच्चों आंसर इज यस व्हाट इज द आंसर ट्वेंटी फोर ए टीपी वेरी गुड ट्वेंटी फोर ए टी बन रहे हैं यहां पे ठीक है आगे बढ़े अब हम देखो ये भी है क्रैप साइकिल इसी को मैंने अभी ड्रॉ करा था ठीक भाई ने भी पूछ लिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पूछ लिया बताओ क्या करा जाए ड्रॉ करें इसे भी क्या बोलते हैं सभी लोग बताइए ड्रॉ करना है बिल्कुल करेंगे हम ड्रॉ चलो तो हम इसे भी बनाते हैं लेट्स ड्रॉ दिस मेमरीन बनाएंगे क्या बनाएंगे हम मेमरी बनाएंगे चलो ये हो गया वन टू एंड द लास्ट इज थ्री ये हमारी बन गई मेम्ब्रेन अब मैम ये है क्या तो देखो ये है सिंपल सी चीज़ है. इधर लिख लो ऊपर ये है आउटर मेम्ब्रेन. जिन, जिन जिन को क्लास में समझ में नहीं आया था वो लोग यहां पे बड़े ध्यान से सुनना इधर है साइटोप्लाज्म. ठीक है ये क्या है ये वाला जो एरिया है ये है इंटरमेमरे स्पेस इंटरमैमस स्पेस ठीक है ये है इनर मैमरेन व्हाट इज दिस इनर मैमरेन और ये क्या है ये मैट्रिक्स है ये है मैट्रिक्स अब यहां पे क्या हुआ बेटा मैट्रिक्स में क्या चला मैट्रिक्स में चला क्रैब साइकिल मैट्रिक्स में क्या चला क्रैब साइकिल तो जब ये क्रैब साइकिल यहां पे चल रहा था तो क्रैब साइकिल से दो चीजें बनी एक बना एन ए डी एच टू और दूसरा बना एफ ए डी एच टू अब क्या हुआ ये एन डी एच गया यहां कहा गया यहां ठीक है तो यहां पे क्या हुआ यहां इसने क्या करा यहां पर गया जब ये तो ये पहले तो ब्रेक डाउन हुआ ठीक है कैसे ब्रेक डाउन हुआ एन ए डी प्लस और टू इलेक्ट्रॉन्स में ठीक है अब क्या होगा अब ये दो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे कैसे जाएंगे अब भी हम देखते हैं थोड़ा सा सब्र करो और ये जो एफ डी एच है ना वो इधर से एंटर करेगा अब पहले इसको समझने के पहले कुछ चीजें हमें यहां लिखना जरूरी है तो लिखे हम इन्हें चलो लिखते हैं हम इन्हें F M N F E S F E S फिर यहां फिर यहां फिर यहां सभी लोग ध्यान से देखना बेटा ये भी आपको याद होना चाहिए बहुत ईजी है एक दो बार अपने यहां से ड्रॉ करोगे ना एक बार बस ड्रॉ कर लो आधा याद हो जाएगा एक बार में आधा याद होगा दूसरी बार ड्रॉ करोगे पूरा याद हो जाएगा ठीक है दूसरी बार ड्रॉ करोगे पूरा याद हो जाएगा सी फिर यहां पे ए वन टू, ए थ्री ठीक है ये हो गया एरो ज्वाइन कर दिया जाए ये इससे ये इससे इधर 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 ये ये जंप कर रहे हैं हम ठीक है अब यहां पे होगा क्या लेन देन होगा क्या होगा बेटा लेन देन होना यहाँ पे, हो हो पे केवल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट इधर से उधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं सबसे पहले देखो यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आए तो टू इलेक्ट्रॉन वो इधर गए इधर गए इधर गए ठीक है पूरे में जंप मार रहे हैं ये समझ रहे हो स्लाइड होती ना स्लाइड ऊपर से खिसक के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ से कैच कैच होने वाले हैं ऊपर से गिरा नीचे वाले ने कैच किया फिर नीचे वाले ने कैच किया फिर नीचे वाले ने कैच किया जब ये यह यहाँ पे ये यह सब सिस्टम चल रहा था ठीक है ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ ठीक है जब ये यहाँ पे चल रहा था तो क्या हो रहा था इस टाइम पे इस टाइम पे यहां से क्या रिलीज हो रहा था वन ए टीपी प्लस सॉरी नॉट प्लस वन ए टी पी यहां पर एच टू एच प्लस आइन बन रहे थे जो एक ए टी पी रिलीज कर रहे थे समझे टू एच प्लस आइन यहां से ना अंदर पहुंच रहे थे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से पहुंच रहे थे जो एक ए टी पी रिलीज कर रहे थे ठीक है सेकेंड में भी क्या हुआ सेकेंड में भी सेम चीज हुई कि दो एच प्लस रिलीज हुए दो एच प्लस रिलीज हुए और क्या हुआ यहां पे एक ए टी यहां बन गया ठीक है ये चीज हुई अब थर्ड में यहां पे क्या होगा ये जो एफ डी एच है ना यहां पे एफ ए डी एच टू यहां से एंट्री मारेगा ठीक है एफ ई डी एच टू यहां से एंट्री मारेगा ठीक ये हो गया जब ये यह यहां से एंट्री मारेगा ना एफ डी एच टू तो यहां से भी ये कुछ चीजें रिलीज करेगा यहां से ये भी कुछ चीजें रिलीज करेगा तो हम इसको भी बना देते हैं यहाँ से जब ये एंट्री मारा किस कलर से बनाया जाए चलो इससे बनाते हैं ये यहाँ से एंट्री मारा ना तो इसने क्या करा ये यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन आए ठीक है यहाँ पे भी क्या हुआ दो इलेक्ट्रॉन आए और इसने यहाँ से 2H+ रिलीज कर दिया क्या कर दिया 2H+ रिलीज कर दिया इस 2H+ ने भी एक ए टी पी दे दिया इस टू प्लस ने भी एक ए टी पी दे दिया सेम यहाँ पे हुआ ठीक है सेम यहाँ पे हुआ यहाँ पे दो एच प्लस आए और इन दो H+ प्लस ने एक ए दे दिया अभी क्या यहाँ पे सिस्टम खत्म हो गया अभी क्या यहाँ पे ये यह खत्म हो गया था नहीं यहाँ पे ये यह दो इलेक्ट्रॉन जंप करते करते तो आ ही रहे थे ना तो हम यहाँ कैसे बोल सकते हैं कि दो और एच प्लस आएंगे अभी और ये भी क्या करेंगे एक ATP दे जाएंगे अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है यहाँ से एच प्लस जो है वो इधर जा रहा है तो यहाँ पे एच पी एल्सा कंसेंट्रेशन कम हो गया और यहाँ पे एच पी का कंसेंट्रेशन बढ़ गया बढ़ गया ना है ना अब क्या हुआ यहाँ कंसेंट्रेशन बढ़ गया अब आखिरी में ये जो इलेक्ट्रॉन टेंथ फ्लोर से जंप करता करता नीचे आ रहा था तो इसको कैच करने के लिए कोई चाहिए ना चाहिए कि नहीं बताओ कोई कैच करने चाहिए तो हाँ डेफिनेटली तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है कौन है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो है ओ ठीक है ऑक्सीजन और यही ऑक्सीजन देगा H2O समझ गए ऑक्सीजन जो है वो नीचे बैठा हुआ है तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इजी है कि नहीं बताओ ईजी है ना बहुत ईजी है यार देखो इसको बिल्कुल टिपिकल बनाने की जरूरत नहीं है आपको ये मैंने पहले भी समझाया था मैंने आज फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एग्जाम में इन्हीं तीनों में से और फर्मेंटेशन में से ही पूछा जाता है ठीक है चलो ये इसका थ्योरेटिकल फॉर्म में आंसर दिया है इसको पढ़ना चाहो तो तुम लोग पढ़ सकते हो क्योंकि क्योंकि तुम्हें क्या करना पड़ेगा जब तुम ये चीजें ये डायग्राम बनाओगे तो उसके नीचे उसका थ्योरिटिकल एक्सप्लेनेशन भी दोगे तो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी तुम्हें यहाँ पे लिखना है चलो क्वेश्चन सेवन ये था क्वेश्चन सेवन पे आते हैं डिस्टिंग चलो भाई डिस्टिंग भी कर लेते हैं हम डिस्टिंग्विश करना तो हमारे लिए बड़ा ही आसान है, है ना कि नहीं चलो एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज यू इट यूज इज ऑक्सीजन फॉर ड्राइविंग एनर्जी बिल्कुल एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए एरोबिक में साइटोप्लाजम और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एनारोबिक सिर्फ साइटोप्लाजम में होता है एरोबिक में एंड प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है इसका एंड प्रोडक्ट क्या है इसमें फर्मेंटेशन होगी पहले तो और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा 36 सिक्स एट एटीपी बनेंगे सिर्फ दो बनेंगे क्लियर ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन पे आ जाओ बच्चों ड्यूरिंग एरोबिक एंड रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन केवल होगा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट फाइनल क्या होता है पायुर्विक एसिड ठीक है और इसका इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड चलो ये हो गया डिफरेंस इन दोनों में यही दो डिफरेंस हो सकते हैं इससे ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है ग्लाइकोलाइसिस अगेन और सिट्रिक साइकिल दैट मींस क्रैब साइकिल साइकिल सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं हम इसे ठीक है तो ग्लाइकोलाइसिस एक लीनियर पाथवे है ये एक साइक्लिक पाथवे ये हम पहले भी कर चुके हैं बेटा वही सेम चीज है ये क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है ये देख सकते हो डिफरेंसेस कैसे आपसे पूछे जाते हैं तो इन डिफरेंसेस को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेना सिंपल से होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी वन What are the assumptions made during the calculation of net gain of ATP? क्या assumptions बनाते हैं जब आप net gain of ATP की बात करते हो तो हम्म चलो 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 देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसका कैलकुलेशन एक्सप्लेन करा है तो अगर अभी भी आपको डाउट है कैलकुलेशन में तो फटाफट से जाओ और इसका लेक्चर देखो हमने सारे कैलकुलेशन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से करे हैं समझ में आ गई बात चलो देखो इधर पर फॉर थियोरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल वेरियस एजॉप आर मेड विच आर एस फॉलोज देखा एक एक करके वन बाय ग्लाइकोलेसिस होगा क्रैप साइकिल होगा फिर उसके बाद में क्या होगा ग्लाइकोलेसिस क्रैप साइकिल ग्लाइकोलिस डिकार्बोक्सिलेशन क्रैब साइकिल और फिर इटीएस होगा ठीक है तो ये सब सीक्वेंस में चलता है और एन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो है वो माइट्रोकॉन्डिया में एंटर कराएगा और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन करेगा नाउ ग्लाइकोलिस मॉलिक्यूल इज अज्यूम्ड टू बी द ओनली सबस्ट्रेट वाइल इट इज अज्यूम्ड टू

आगे बात समझ में। ग्लाइकोलिस से चालू होके ईटीएस पे जब हम पहुंचते हैं तो जो आपका ग्लूकोस मॉलिक्यूल है ग्लूकोस मॉलिक्यूल ही आपका सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है इट इज द ओनली सबस्ट्रेट एंड नो अदर मॉलिक्यूल कैन एंटर ठीक है कोई अदर मॉलिक्यूल एंटर नहीं करेगा इमीडिएट स्टेज पे। और वही जो मॉलिक्यूल है वो जो होगा प्रोड्यूस ब्रेक डाउन होगा और एटीपी प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन और आप चाहो तो इसमें जो हमने कैलकुलेशन किया था बढ़िया तरीके से क्या कैलकुलेशन किया था, कोई बता सकता है बताओ बच्चों कितने ATP बनते टोटल कितने बनते 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 हैं बनते हैं बनेंगे है? बताएंगे कि थर्टी एट एटीपीज कैसे बन रहे हैं एक्सप्लेन मी मैं ये पढ़ा चुकी हूं आपको इसलिए मैं नहीं बताऊंगी एटीपी किस में ग्लाइकोलिस में डिकार्बोक्सिलेशन में ठीक है कितने-कितने एटीपी बनते हैं और लास्ट में एंड में आपको टोटल एटीपी कितने मिलते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पाथवे इन एन एन्फीबॉलिक पाथवे चलो सो रेस्पिरेशन इज जनरली अज्यूम्ड टू बी अटाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ओके वेरियस आर ब्रोकन डाउन फॉर ड्राइविंग एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन टू ग्लूकोज बिफोर एंटरिंग रेस्पिरेटरी पाथवे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पहले ही ब्रेक हो जाता है ठीक है ग्लूकोज में रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर होने से पहले फैट जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ग्लिसरॉल में वेयर एज जो फैटी एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे एंजाइम में इन द सिमिलर मैनर प्रोटीन जो है अमीनो एसिड बना लेगा ठीक है विच एंटर रेस्पिरेशन आफ्टर डीएमिनेशन अब जब फैटी एसिड का सेंथेसिस होगा तो जो एसिटिल को एंजाइम है वो विडड्रॉ करेगा विड्रॉन फ्रॉम रेस्पिरेटरी पाथवे बाहर आ जाएगा ठीक है एंड इन देंथसिस ऑफ प्रोटीन रेस्परेटरी सबस्टेट भी विडड्रॉन कर लिए जाते हैं दस इट दस रेस्पिरेशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एनाबोलिज्म देयर फोर रेस्पिरेशन कैन बी टर्म एज एम्फीबॉलिक पाथवे एज इट इन्वॉल्व बोथ एनाबॉलिज्म

टू द वॉल्यूम ऑफ ओ टू कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिशन टू द वॉ्यूमज्यूम ड्यूरिंगटरी कार्बोहाइड्रेट हवेवर इट इज ऑलवेज लेस दैन वन फॉर फैट क्योंकि फैट ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट इट कैन बी रिलिस्ट्रेटेड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइपाल फैटी एसिड विच कंज्यूम वन फोर्टी फाइव मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्परेशन वेल वन हंड्रेड टू मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्ट इवॉल्ड सो द आर क्यू वैल्यू इज जीरो पॉइंट सेवन तो यहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने एग्जाम्पल लिख दिया है तो so, आप ये यह यहाँ पे पढ़ सकते हो वॉट इज ऑक्सीडेटिव फॉसफोराइलेशन ठीक है ऑक्सीडेटिव फॉसफोराइलेशन क्या होता है बताओ भाई ऑक्सीडेटिव फॉसफोराइजेशन क्या है पढ़ाया है ना मैंने आपको या नहीं पढ़ाया बताइए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन डोनर टू ऑक्सीजन विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ठीक है और ऑक्सीडेशन रिएक्ट रिडक्शन Reaction are involved in the formation of proton gradient. The main role in the oxidative phosphorylation is to play by the enzyme ATP. सिंथेज दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ एफ नॉट टू एफ वन कॉम्पोनेंट एंड एफ वन पीस इज अ पैरिफिरल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंटेन्स द साइट फॉर ए टी सिंथेसिस फ्रॉम ए टी एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉस्फे देखो इसको रीड कर लेना ये थियोटिकल आंसर है इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी इसको आप लोग रीड कर लेना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराशन क्या होता है लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी इन द रेस्पिरेशन क्या सिग्निफिकेंस है स्टेप वाइज रिलीज का तो सबसे बड़ी चीज क्या है देखो चार फेजेस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराशन तो ये मानते हैं हम कि एटीपी हर स्टेज पे बन रहा है ठीक है एटीपी क्या हो रहा है हर स्टेज पे बन रहा है तो जो प्रोडक्ट है और वन पाथवे फ्रॉम द सब्सटी टू अनदर मतलब ग्लाइकोलिस में जो बना उसका प्रोडक्ट आगे काम आएगा टीसीए में टीसीए में जो बना उसका एंड प्रोडक्ट काम आएगा ईटीएस में ठीक है और ईटीएस टी का प्रोडक्ट काम आएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन में इसीलिए एक साइक्लिक एक जो प्रोसेस चल रही है जो फेज चल रहे हैं स्टेप बाई स्टेप वो करना बहुत जरूरी है जिससे कि हम लास्ट में एटीपीज क्या कर सके एड कर सकें लास्ट में हम ए क्या कर सकें एड कर सकें और लास्ट में हमें कितने एटीपी मिल जाते हैं लास्ट में हमें मिल जाते हैं टोटल ए की बात करें तो हमें 38 एटीपी मिल जाते हैं इसीलिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलना जरूरी है एंड वी हैव कंप्लीटेड द अमेजिंग सेशन ऑफ क्यू एन ए Of chapter number 14 and very soon we will be uploading chapter 15 QA also. So stay tuned, hit the like button and do not forget to subscribe. And thanks for attending today's lecture. See you soon in the next class. Bye bye.